हेलो दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो रहेगा बी एल एल बी का फिफ्थ ईयर का एल एल बी थर्ड ईयर का मेन एग्जामिनेशन, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में हर बार की तरह वही 80 क्वेश्चंस हैं और 80 क्वेश्चंस को आपको बताना है कि कितने क्वेश्चंस आपने सही किए हैं। हमारे साथ बने रहिए, चलते हैं आज की इस वीडियो में, देखते हैं आपके आंसर की क्या है। द स्पिरिट ऑफ लॉ किताब किसने लिखी थी? ये थी मॉन्टेस्क्यू। ओके, प्रशासनिक विधि में सम्मिलित हैं कौन कौन है? ए और बी इसका आंसर होगा। क्राउन प्रोसीडिंग एक्ट बनाया गया 1947। किस शताब्दी में प्रशासनिक कानूनों में तेजी से विकास हुआ? ये 20वीं शताब्दी में। ओके, मैं फास्ट इसलिए कर रहा हूँ कि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है, फिर बच्चे कहते हैं कि सर इतनी लंबी वीडियो स्किप करके देखते हैं, इसमें इंटरेस्ट नहीं आता। तो मैं फास्टली करना चाहूँगा। जो बच्चे कहते हैं एक्सप्लेनेशन दे दीजिए, तो एक्सप्लेनेशन भी आपको बहुत जल्द मिलेगा, पर वो मिलेगा बारी बारी से, कंटेंट वाइज। ओके, उनकी क्लासेस अलग से डालूंगा मैं, अभी बहुत जल्द डालने वाला हूं। देखिए, प्रशासनिक विधि का मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक अधिकारियों को संचालन और नियंत्रण किसने कहा था? ग्रिफ ऑफ स्टेट। प्रत्यायोजन विधि को से नियंत्रित किया जा सकता है न्यायपालिका से। ओके, निम्नलिखित में से कौन प्रशासनिक विधि का मूल स्रोत है? सामान्य विधि। ओके, प्रशासनिक कानून मुख्य रूप से किस आधिकारिक कार्य से संबंधित नहीं है? निजी कानून से संबंधित नहीं है। ओके, किसने कहा कि विधि से शासन के लिए ये जो है आवश्यक है कि सरकार को कानून के अधीन होना चाहिए, न कि सरकार के अधीन कानून? ये किसने कहा था? डायसी। ओके, आप देखेंगे जो है ये इसका जो है किस मामले में भारतीय संविधान की शक्तियों को पृथक्करण के सिद्धांतों को पूर्णतः स्वीकार नहीं किया जा सकता? ये है राम जया कपूर है, ये इसमें कानपुर कर दिया है पेपर में, ये रॉन्ग कर दिया है, कानपुर की जगह ये आएगा कपूर, राम जया कपूर बना पंजाब राज्य। ओके, ये है प्रशासनिक शक्तियों का। देखिए, प्रशासनिक शक्ति, प्रशासनिक विधि का संबंध प्रशासनिक अधिकारियों की शक्ति के संचालन और नियंत्रण से है, इसमें जिसमें संरचना की बजाय इसके कार्यों पर जोर दिया गया है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? वेड के द्वारा दी गई थी। ओके, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज द बेंच ब्रांच ऑफ लॉ, द ऑब्जेक्ट ऑफ विच इज टू चेक एब्यूज ऑफ पावर बाय फॉलोइंग। किसके द्वारा कहा गया था कि जो है प्रशासनिक विधि कानून की शाखा वह शाखा है जिसका उद्देश्य निम्न में से निम्न शक्तियों का दुरुपयोग को रोकने के लिए है? ये किसने कहा था? ये देखो किसके लिए है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज। ओके, इसमें ये क्वेश्चन 13वां क्वेश्चन हमारा डाउटेबल है, तो इसे हमने ड्रॉप कर दिया है। इसमें हमें 5 और 6 से डाउट था, तो हमने इसे ड्रॉप किया है। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम 1985 कब लागू हुआ? ये हुआ था 1 जुलाई 1985 में। आंध्र प्रदेश में 1/11/1989 में हुआ था, CGR 527 के तहत। ओके, इसे वाइड में कहा गया था। ओके, देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ लॉ, प्रिंसिपल ऑफ नेचर जस्टिस ऑपरेट एज द एम्प्लाइड मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नॉन ऑब्जरेंस ऑफ विच इन्विडेट्स द एक्सरसाइज ऑफ पावर्स। हु सैड प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत निहित अनिवार्य आवश्यकताओं के रूप में कार्य करते हैं जिनका प्रयोग न करने से शक्ति का प्रयोग अमान्य हो जाता है? यह किसने कहा था? ये कहा था वेड ने। ओके, यह बंदी की अवैध रूप से या बिना किसी औचित्य के हिरासत में लिया गया है, तो आप किस रिट के तहत न्यायालय में प्रार्थना करेंगे? किस रिट के तहत करेंगे? बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कि हैबियस कॉर्पस। ओके, कौन सी रिट उन मामलों में जारी की जाती है क्षेत्र अधिकार है से अधिक है जहां अधिकार क्षेत्र का अभाव है? इसका आंसर होगा बी, प्रतिरोध। ओके, को वारंट एक लैटिन टर्म है, को वारंट तो एक लैटिन टर्म है जिसका अर्थ है किस अधिकार से। ओके, भारत के संविधान अनुच्छेद 32 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा न्यायिक रिट सुनवाई के लिए अधिकृत है? ये होगा उच्चतम न्यायालय। ओके, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के अध्यक्ष सेनावृत्त की आयु होती है, कितनी होती है? 65। प्रत्यायोजित विधान नियंत्रित किया जाता है किसके द्वारा? संसद और न्यायपालिका के द्वारा। बिना किसी योग्यता के सार्वजनिक पद पर आसीन व्यक्ति के विरुद्ध कौन सी रिट जारी की जाती है? यह है अधिकार प्रक्षा।
रिज बनाम बाल्डविन वाद संबंधित है, किसे संबंधित है? प्राकृतिक न्याय से। प्रत्यायोजित विधान का नियंत्रण क्या है? प्रत्यायोजित विधान का नियंत्रण है उपयुक्त सभी, ये सभी के सभी हैं। एक एक क्रैपिक क्रैपक क्रैप वाद संबंधित है, किससे होगा इसका ये डाउट है हमें, तो ये हमने अभी ड्रॉप कर दिया है। बंदी प्रत्यक्षण प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी की जाएगी यदि निरोध अगर प्रथम दृष्टया अवैध हो। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्यांश निमोजिडियस इन कोसासुआ की सही परिभाषा है? इसका मतलब है कोई व्यक्ति अपने मामले में न्यायाधीश नहीं होगा, यानी कि खुद से फैसले नहीं लेगा कोई भी व्यक्ति, यानी कि सेल्फिश जिसे कहते हैं, खुद ही फैसला लिया, खुद ही दूसरे के बारे में ऑब्जर्वेशन कर लिया, ऐसी हरकतें नहीं करेगा। निम्नलिखित में ऐसे कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर होगा सी। ओके, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद द्वारा प्रशासनिक न्यायाधिकरण को संविधान के अंतर्गत पुनर्गठित किया गया है? इसका आंसर है आपका बी। ओके, विवेक की अधिकता का दुरुपयोग निम्नलिखित में से किस आधार पर होता है? उपयुक्त सभी। ओके, भारतीय संसद में किस विधि मंत्री ने पहली बार लोकपाल की अवधारणा को प्रस्तुत किया? किसने किया था? अशोक कुमार सेन। लोकायुक्त लागू करने वाला भारत का पहला कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र। ओके, अनुपातिकता के सिद्धांत की अवधारणा संबंध है किससे है? एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, प्रशासनिक कानून से है इसकी संभावना। ओके, निम्नलिखित में से कौन से वेडनेसबरी सिद्धांत से संबंधित है? वेडनेसबरी जो है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से संबंधित है। ओके, देख लेते हैं नेक्स्ट है, भारत के संविधान के अधीन निम्नलिखित में से कौन सा न्यायिक रिट जारी करने के लिए अधिकृत है? कौन है? उच्चतम न्यायालय। ओके, निम्नलिखित में से कौन से नैसर्गिक न्यायालय के आवश्यक तत्व हैं? कौन से हैं? उपयुक्त सभी। ओके, यदि किसी न्याय को किसी भी प्रकार का वित्तीय लाभ होता है, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, वह कहलाता है धन संबंधी पक्षपात। कानून के शासन की अवधारणा के जनक कौन है? इसके जनक है डायसी। ओके, निम्नलिखित वर्षों में से किस वर्ष केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की गई? किस वर्ष की गई? इसका है 1964। ओके, किसने कहा इंग्लैंड शक्तियों के पृथक्करण का क्लासिक घर नहीं है? किसने कहा? डेनियल पुलमैन था ये, और इसे लिखा गया उलमैन, तो ये गलत है, पेपर में उलमैन लिख दिया, डेनियल पुलमैन है। सर्टेनरी एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है शासन आदेश देना। ओके, शासन को आदेश देना, निषेध करना या रोकना। रिट किस रिट का अर्थ है? प्रतिषेध, कितना है? प्रतिषेध का। उस व्यक्ति के विरुद्ध कौन सी रिट जारी की जाती है जिसके पास विधित कर्तव्य है लेकिन ऐसा करने में विफल है? यह है परमादेश। ओके, शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को व्यवस्थित रूप से किसने प्रतिपादित किया? इसको मॉन्टेस्क्यू। इसका जो आंसर होगा नेक्स्ट, ये डाउटेबल क्वेश्चन है तो मैंने ड्रॉप किया है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा डायसी विधि का शासन का अर्थ नहीं है? व्यापक विविधकारी शक्तियाँ, इंग्लिश नेचुरल जस्टिस एंड अमेरिकन ड्यू प्रोसेस एंड एनेटिकल कंपेरिजन। किसने लिखी? ये जो लिखी थी वो थे फ्रेडरिक सावर। ओके, यहाँ पर है फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है फ्रांस। व्यक्तिगत पक्षपात से उत्पन्न हो सकती हैं, क्या हो सकती हैं? व्यक्तिगत पक्षपात से जो है उत्पन्न हो सकते थे, पक्षपात करने से जो शत्रुता भी आ सकती है, संबंध भी बनाए जा सकते हैं पक्षपात करने से। डिबेट्स जो लोग करते हैं, डिबेट्स में क्या होता है, आपके पक्षपात भी होते हैं। पर मेरा जो आंसर रहेगा वो सी रहेगा, यानी एनिमिटी जो है इसका आंसर रहेगा। पर आप चेक कर लीजिएगा आप इसका आंसर क्या होगा। ओके, नैसर्गिक न्यायालय का सिद्धांत है जस्ट नेचुरल शब्द लिया गया है, कहाँ से लिया गया है? जस्ट नेचुरल, रोमन विधि से। ओके जी, 51
51 को मैंने ड्रॉप किया है, 52 को भी ड्रॉप किया है, आप देखेंगे इनके आंसर आप ले लीजिएगा। टाइम कम था तो मैंने सर्च नहीं कर पाया हूँ, आप देख लीजिएगा। भारतीय क्वेश्चन नंबर 53, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत विधि का शासन निहित है, किसमें है? ये है आपका अनुच्छेद 14। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत संघ राज्य सरकार के दायित्व की सीमा से संबंधित है? ये है आपका देखो 301, ये 312 में है, बट इस 312 इसमें कहीं ऑप्शन नहीं है तो मैंने इसे छोड़ दिया है। प्रशासनिक कानून प्रशासनिक एजेंसियां की शक्तियां और प्रक्रियाओं पर लागू होने वाला कानून है, जिसमें से विशेष रूप से प्रशासनिक कार्यवाही की न्याय एक समीक्षा को नियंत्रण करने वाला कानून भी शामिल है। किसने कहा ये कहा था आपका केसी डेविस। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सार्वजनिक निगम राज्य के अंतर्गत है? किस अनुच्छेद के तहत है? 13 सामाजिक सेवा है, उपयुक्त सभी राज्य भी और अस्पताल बोर्ड वगैरह भी। वित्तीय निगम है ANB। ओके, नेक्स्ट जो आंसर है अधिकार प्रक्षा रिट की जारी की कब जारी की जा सकती है? उपयुक्त सभी, इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। 60 क्वेश्चन का आंसर है ए। ओके, 61 देखेंगे, भारत में सार्वजनिक निगम को श्रम मिश्रित मुख्य समूह में वर्गित किया गया है, कितने वर्गों में बांटा गया है? 3 वर्गों में बांटा गया है, एक तो स्टेट लेवल, सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल एंड लोकल लेवल पर। ओके, दामोदर वैली घाटी निगम की स्थापना कब हुई थी? दामोदर वैली घाटी की, देखिए इसमें बी और डी आंसर आपका सेम है, तो मैं बी और डी में से कोई एक सेलेक्ट करिए, दोनों ही आंसर करेक्ट हैं, दोनों एक ही है। ओके, परामदेश रिट एक है, क्या है ये? छोड़ दिया है, वैसे लोकहितवाद की ओर जाएंगे पर मैं इसे ड्रॉप किया है। भारत परामदेश की रिट प्रथम बार कब जारी की गई थी? ये कही गई थी कलकत्ता में 1773 में। ओके, कलकत्ता में 1773 में की गई थी, ये है एक लेटर पेटेंट के तहत की गई थी, लेटर पेटेंट एक्ट में जो है इसे इस्टेब्लिश किया गया था। और रिज बनाम बाल्डविन का वाद संबंध है, किससे संबंधित है? इसका जो है ये मैंने ड्रॉप किया है, 65 एंड 66 को मैंने ड्रॉप किया है और 67 को भी। 68 को देखेंगे, 68 का है ए। ओके, 68 का है ए। 69 देखेंगे, 69 ए एंड बी दोनों। 70 क्वेश्चन देखेंगे, इसका है धनंजय शर्मा। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षपात एक प्रकार नहीं है? न्यायिक झूठ। निम्नलिखित में से कौन सा सही है ये मैंने ड्रॉप किया है। 73 देखेंगे, इसका है आवश्यक विधायी कार्य। ओके, 74 देखेंगे, सुनवाई का अधिकार। भारत में लोकपाल समिति का प्रथम चेयरपर्सन कौन था? इसका चेयरपर्सन पिनाकी चंद्र घोष। ओके, इसका है ANB। प्रशासनिक अधिकारियों के पीठों की संख्या 17 होती है, कैट में 17 सीटें होती हैं और इंडिया ऑल ओवर कंट्री में देखा जाए तो 21 सीटें अवेलेबल हैं। ओके, यहाँ देखिए, कौन सी रिट जारी की जा सकती है यदि कोई प्राधिकारी शक्तियों के दुरुपयोग के साथ निहित या उसके दुर्भावनापूर्ण कार्य करता है? तो यह है परमादेश। इसका मौलिक अधिकार, देखो जल्दी से फास्टली करते हैं समय को बचाते हुए। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय प्रायोजन का विधान पहला माना जाता है? तो ये है दिल्ली कानून अधिनियम वाला मामला। ओके, निम्नलिखित में से किस देश के प्रत्यायोजन विधान को मान्यता नहीं है? किस देश के को है प्रत्यायोजन विधान को? अमेरिका को। ओके, विवेक में दुरुपयोग शामिल नहीं है ANB दोनों। ओके, ANB दोनों। मालाफाइड का अर्थ होता है अद्भावना पूर्वक। ओके, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है? भारत के राष्ट्रपति। ओके, किस देश में प्रथम बार ओम्बड समेन संस्था का उद्भव हुआ? किसमें हुआ? स्वीडन में। ओके, इसका जो आंसर है, देखिए इसमें मैं ड्रॉप है, ये क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया है, आप देख लीजिएगा। ये है 88 का है ए, फटाक से लगा देता हूँ मैं इन्हें आगे। ये 91 को देख लें, 91 में है ए।
ओके 92 में एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, 93 ए, 94 ए, 95 ए, 96 डी, 96 डी, 97 बी, 98 ये है आपका डी, 98 आपका डी, 99 ए, 100 आपका सी। तो ये हैं आपके सारे के सारे आंसर्स, आप इन्हें मैच कर लीजिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा आपका स्कोर कितना हुआ है। बट एक चीज़ विशेष ध्यान रखिएगा, जो आंसर की दी गई है उसमें कुछ क्वेश्चंस डाउटेबल हैं जो मैंने ड्रॉप कर दिए हैं, और कुछ क्वेश्चंस आप सोच रहे होंगे, बहुत से लोग बच्चे कमेंट करते हैं कि इसका आंसर गलत है, तो मैंने हर बार कहता हूँ कि यदि आपको आंसर गलत लगता है तो कंटेंट विद कमेंट करिए, मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व चेंज करा दूँगा। ओके ठीक है, थैंक यू फॉर कीप वॉचिंग।